सो गाइस, हम तो चले दिवाली मनाने अपने घर की ओर। ये हाँ चुके हम लोग तलीसेल से चल। अब हम आ गए हम देखो तलाव बुलाई। आओ नेनू एंड टॉय। सीन अब ये चीज है नी माय मैं बिना नी बिरता को भी बंदरा पुरगी नी मॉल निको आदो। अब कोई चीज है सीधे सीधा कोई दुर्गा दिवाली की इन्हें वीडियो दम बनी चीज ने लाइक करा मैं मतलब तो कोई माँ खंग दे इन वीडियो लो रहे पापों सोम जंग आओ से पापों सोम दे जंग का हाई तो रहा मुझसे आग तं सेल निन्नू हाँ लादो ऐसा हो इमा नहीं किया मैं तो इस तरफ नहीं करा वो ट्राइपॉड कहाँ चला गया वो स्टैंड वाला तेरा पता तेरा आना ना जल्दी इधर लोग आने के लिए शायद तो सकते हैं इन्हें लाइसेंस लेकर आते हैं ना शुरू लेकर देना पता तो उन्हें तो सब तो ओ फायदा है आई बम था वो किसे था वो कैसे पता बुगु तो गरांग मसम सम में चा करे बम चक चक्री बुगु बुगु मनो में जान बाद लोकमैना आ चक्री छे ना चक्री छे ना ने पारा चंचला बमान आ ता द मा थमे ब चक्री तो ने पैसा लो की दे दोसु आ तुम बदो ने की छे पितृक तो ने मारो ही तो ए थो ए थो दे मान तम ल मन आ आ मोनो मोनो दी तुम्हारी ट्रेनिंग लो बगैर चकर ले 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 वो ट्राइपॉड लाओ ना जल्दी ट्राइपॉड इस टाइम आई गो वो ट्राइपॉड लाना स्टैंड लगा के फिर रिकॉर्ड होता रहेगा ना ऊपर है मेरा मेरा पर्स में आई स्टैंड थम के स्टैंड का क्या कोई चीज है तमाम तो से रिकॉर्ड तो से शिकाप चलो गरम है उसमें मग डाल के ना ओए चीचे मग डाल के इधर में रखो ओए थोए
वो बाल्टी भी पानी भर दो पूरा, भर के इधर में रखो मग डाल के। तुम लोग साला कभी भी कुछ भी होगा मेरे को लग रहा है तो, और तो मग नहीं है तो ऐसे ही डाल के यहाँ पर रखो। सो गाइस, मैं घर के कपड़ों में ही थी, ठीक है, वो दिवाली हो रहा था जिसकी वजह से मुझे कॉटन पहनने के लिए बोला था हम लोग का जो साड़ी, आधा साड़ी जो होता है वो, ठीक है। बट यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, मेरे दोनों जेजी आए हुए थे जिनकी वजह, जिसकी वजह से ना मुझे ना पूरा वो क्या बोलते हैं पल्लू वल्लू ढक के रहना पड़ रहा था, और ऊपर से ना जो क्या बोलूँ जो स्काई शॉट जो मार रहे थे ना वो ऊपर से गिर रहे थे बारूद वगैरह, तो मुझे कहीं ये ना हो जाए कि वैसे भी बाल इतने कम है कहीं वो फुट ना जाए मेरे सर के ऊपर, जिसकी वजह से मुझे कवर कर रहे थे। उसके बाद मैं चाय वाय बनाने के मिस्त्री विस्ती बहुत सारा था, चाय वाय बनाने के लिए चले गए, फिर उसके बाद जाके खाना भी बनाना था, रेडी करना था, तो फटाफट मैं जाके खाना वाना रेडी करती हूँ, चाय वाय बनाती हूँ, देन उसके बाद जाके बाद में हम लोग खाना वाना खा के ख़त्म करने के बाद बर्तन वर्तन सब खा रख ख़त्म करने के बाद जब ऊपर जाके छत पे जाके ना हम लोगों ने स्काई शॉट मारा, बहुत मज़ा आया। और हम तीन बहनें मिलके ना देवरानी जेठानी सारे हम सब मिलके वहाँ पे जो लैंटर्न होता है ना वो भी जलाया, बहुत मज़ा आया। मैंने काफ़ी सालों के बाद इस बार मैंने वो कराया दिवाली अपनी फैमिली के साथ, मैंने इन्जॉय कराया, बहुत मुझे अच्छा लगा। सब लोग अपने बड़े भाई को बोल रहे हैं ताचो हेलीकॉप्टर, यानी कि हेलीकॉप्टर शॉट वाला जो आजकल जो बम आ रहा है ना वो होने के लिए बोल रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे एक दूसरे के साथ। गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग, लेट अपलोड करने के लिए सॉरी। क्या खतरनाक हंसी हंसाना, बाप रे, दीवार की धमाके से ज्यादा तो इनका हंसी था कसम से। सो गाइस यहाँ पे जो है जो तरावती तरावती बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, फुलझड़ी ही है। फुलझड़ी जो है जलने के बाद जाके जो रहते अंगार की तरह जो लाल हो गया रहता है ना वो, अगर कहीं किसी के पैर में लग गया, बच्चे लोग बहुत सारा खेलने आते हैं ना तो कहीं गलती से पैर में ना लग जाए, तो जितने भी ठंडा वगैरह हो गया या फिर जो भी फटा हुआ है अनार है कुछ भी चक्री वगैरह सब कुछ जितना भी है ना वो सारे जो है कार्टून के अंदर हम लोग कलेक्ट कर रहे थे, यानी कि बच्चा पढ़ती कलेक्ट कर रहे थे। हम तो अंदर थे भाई, हम तो खाना बनाने में खाना खाने में लगे पड़े हुए थे बस। तो गाइस यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी
बताना चाहूंगी कि मेरे दोनों जथाई दोनों को ही पसंद है बॉम वगैरह जो होता है ना दिवाली का, मतलब उनको पसंद है फोड़ना भी साथ में देखना भी, मुझे भी पसंद है, बट मुझे ज़्यादा लाइटिंग पसंद है, साथ ही साथ स्काई सोल वगैरह भी पसंद है, लैंटर्न वगैरह भी पसंद है, पर मुझे आवाज़ से बहुत डर लगता है, एटम वगैरह जो होता है बहुत ज़्यादा जो आवाज़ करते हैं ना वो सारे बम वगैरह से मुझे डर लगता है, सो मैं बहुत कम आवाज़ कम अलूसन तो सब में होता है बट कम आवाज़ जिसमें आती है वो बम वगैरह, जैसे मुझे फुलझड़ी पसंद है और जैसे मुझे चक्री जो गोल गोल घूमता है वो ज़्यादा पसंद, मुझे तरापती जो मैं हाथ में पकड़ के वो कर पाऊँ वो ज़्यादा चीज़ें पसंद आती है, और स्काई सोल वगैरह देखने में अच्छा लगता है ठीक है, बट एटम बम वगैरह जो होता है ना बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ करते हैं वो बम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो ठीक है, फोर देते हैं बहुत सारे लोग भी, बट मुझसे वो आवाज़ डाइजेस्ट नहीं होता, बहुत डर लगता है यार कभी कभार वो जो घबराहट होती है ना बम धुक करके आओ अचानक से तुम्हारा हार्ट में ऐसा होता है ना ढक करके लगता है, वो वाला मुझे बहुत बिल्कुल पसंद नहीं है। दिवाली पे तो मैं अपलोड नहीं कर पाई हूँ बट लेट अपलोड कर रही हूँ ठीक है, फिर भी आप लोग प्यार देना मेरे वीडियो को, लाइक फॉलो शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ जो है मैं एक्टिव होने वाली हूँ, सो ओपन रूम वगैरह मैं स्टार्ट कर दूँगी कुछ दिनों में ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, कीप लविंग गाइस। सो गाइस यहाँ पे जो है सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, मेरे घर के बच्चे और मेरे बड़े देवर के बच्चे, मेरे ननन के बच्चे, सारे बच्चे यहाँ पे आ चुके थे क्योंकि हमारा जो परिवार है इसी यही परिवार नहीं है जो गेट की बाहर है उस तरफ पूरा होता है ना परिवार, इसको वो क्या बोलते हैं जिला घोषित कर दो वैसा वाला टाइप का परिवार है ठीक है, पूरा पूरा लाइन से भी है और उसके बाद आगे पीछे हर तरफ है, सब परिवार है बहुत बड़ा है ठीक है, फैमिली बहुत बड़ा है, सो सारे बच्चे तो नहीं आए, जितना बच्चे थे मतलब बहुत छोटे बच्चे जितने भी थे वो सारे आ चुके थे, बट उसकी बात में आएंगे ठीक है, जो भी वो है क्या बोलते हैं नंदन वगैरह भी आएंगे और बहुत सारे बच्चे भी आने वाले हैं, बस देखते रहिएगा ठीक है। अरे छज जा स्काई शॉट है। सो गाइस यहाँ पे हम लोग छत के ऊपर आ चुके थे, खाना वाना खा के खत्म करने के बाद जाके स्काई शॉट हम लोग का जो है स्काई शॉट वो करने वाले थे जलाने वाले थे।
ठीक है फिर उसके साथ मजा करने वाले चलो ठीक है छेला छेला और यहाँ पे सारे बच्चे काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं काउंटिंग कर रहे हैं और यहाँ पे मेरी जो बड़ी जेठानी वो बोल रहा है धूप उनको पसंद नहीं आया उनको लगा कि ऊपर जाके एकदम जब फुलझड़ी की तरह फूटता है ना वो वाला लगा बट यहाँ पे तो ऊपर जाके बॉक्स बॉक्स खत्म हो रहा है ना इसलिए वो धूप बोल रही है बागदोल फोन दे लाऊं ना ले और यहाँ पे जो है नैनू नैनू बोलती है दीदी मेरे को डांस रिकॉर्ड कर दो थोड़ा सा वो डांस करने में लगी हुई है ठीक है बट इस बार मुझे बुरा लगा मैं वैसे तो दिवाली मनाऊँ दिवाली भी था मेरा और घर में पापा का श्राद्ध भी था यानी कि 1 ईयर कंप्लीट होने में जो होता है वो वाला ठीक है बट मैं नैनू का मैं रिकॉर्ड करने वाली थी बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं भूल गई क्योंकि काम इतना ज़्यादा था और बच्चा पार्टी तो भाई सवेरे उठ के उठने के साथ साथ स्कूल पर चले जाते थे मुझसे मिलते भी नहीं थे क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था तब तक नहीं बोल सकती मेरे दो इच्छे ना ये वीडियो देखने के बाद हंसेंगे खूब और ये है मेरे बड़े जज्जी मेरे बड़े जज्जी और मेरे हस्बैंड की जो शक्ल है ना काफ़ी मिलता जुलता है पर मेरे छोटे वाले जज्जी के साथ थोड़ा सा डिफरेंट है
दीदी मैं इधर लेके जा रही हूँ। अनुभव मिठाई ने चल काजू चना ओए नंग है शुआ रोई दबा दा फोन को इधर छोड़ के चला जाना। रुको 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 ठीक है आप चलो जब लगेगा ना भाई अंदर पीट के लाल कर दूंगा। हटो 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 चल गया सब्जी लेते सब्जी तो ले जो उसको अपने आप वो हवा लेगा तो उसको तरह वो कर मथन तो हवा लो रख तू इन मनुम का तुम था लाउकूम रहे तू तो मखा की तो लाउकू होगा लाउकू आ मैंने लाउकू होगा तू तो चंग तो ही नहीं गैस तो मनुम का ले दो ही नहीं फुली रहा आज मैंने फुली दो ही नहीं बात जो था तो होगा सिकी ब्लू सलवार सिली बाय असना आगी सन पिन को मामी फोटे को वे
ไอ้ยังเขาพังเอาได้บ่ก่อนอ่ะดอกไอ้ยูซิกี้ยังไงยำตรงนี้ยาวพลันลันทันทาลิซิก่อนสกีแบบไปแล้วสกีแบบตัวเซนเนจี้มุ้ยไม่อยากจะกล้าไปยาวสังเกตว่ายิงยิ่งเต้ยงก็มันก็เสียหายกันแล้วก็ยังที่ต้องเสียมุ้ยบุ๋มพี่บุ๋มสิก่อนอ่ะใส่ดิบันเดียกันนี่ใช่ไหมตัวนั้นไงตัวไง ಭಾಭಿ ಕೃತಿಕಾ ಕಸ್ತೂರಿ ಸಿದ್ಧ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಬಾರೋ सो गाइस यहाँ पे जितने भी बच्चा पार्टी आ रहे हैं लड़कियाँ सारे ननन हैं हमारे सो सब नन कस्तूरी से लेके मोंटी है यहाँ पे गुप्पा है यहाँ पे कृतिका है यहाँ पे और नीने भी आए हुए हैं साथ में हमारे बुआ नीने पापा का एक लौटी बहन उनके खानदान की एक लौटी बहन नीने भी है ಹೇ ಅಮ್ಮ
चली चली मफम कुछ नहीं कहा कोई बाबा ही हम सकलम नहीं आते इसे तो हम तो सब आते हैं यार यार कापन ไอ้ขังเปรี้ยขังใหญ่มั้ยน้องโบอ๋ออาจารย์โอ๋ยโอ๋ยทําไอ้ที่มัมมี่กูสั่นให้ว่าได้ไหมโบดๆฮารามอบน้องฮารามปกติเด้तो गाइस ये वाला रिकॉर्डिंग जो है वो खाना खा के खत्म करने के बाद जाके आधी रात में आके हम लोग ऊपर तो छत पे हम लोग बम फोड़ रहे हैं भाई कितना क्रेज है बम फोड़ने के बच्चा पार्टी सब और उसके साथ साथ हमारा मेरा जो बड़ा जेठ जी है वो है और साथ में जेठानी दोनों जेठानी के साथ मैं भी हूँ बच्चे पार्टी के साथ तो हमने खूब एंजॉय किया गाइस खूब एंजॉय किया थैंक यू एवरीवन थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइक फॉलो शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना ठीक है ये जो रिकॉर्ड है छोटा बेटा आओ ने रिकॉर्ड करा था जो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा बहुत सारे बस चले गए कोई बातें बातें सुनते हैं अरे वीडियो हाय बोलो पंतन हाय बोलो हम लोग का पैसे दे सकते हम लोग का थारो ने हम लोग का थारो आप पैराशूट सो गाइस अभी पैराशूट यहाँ पे कोई बात नहीं बच्चा ने रिकॉर्ड करने की कोशिश करा बट हो नहीं रहा था हमने भी ध्यान नहीं दिया उस टाइम तो हम भी थक गए थे हमने भी रिकॉर्डिंग में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया बट बाद में जब मैं एडिटिंग करने के लिए बैठी तब जाके मैं देखती हूँ कि आओ ने तो कुछ भी नहीं करा हमने रिकॉर्ड करा बस क्या बोलते हैं छत को और ऊपर उड़ने की बात उसने वो रिकॉर्ड करना भूल गया वो बस देखता रह गया कि पटाखे कैसे फूट रहे आसमान पे रिकॉर्ड करने से बेहतर है उन्होंने अपने आँखों को तसल्ली क्या बोलूँ सुकून देना चाहा सो आँखें से देखते देखते भूल गया होगा ना बच्चा है ना आओ ना कहीं सुनाते भी ना होगा मतलब तो बम पकाए वो बताइए एक बार को मैं रिकॉर्ड तो उन्हें कहा वो दो तो नया मानता हूँ इसे यहाँ पे जब लालटेन जलाया था ना तो मेरे जज जी ने बोला कि तुम तीनों आ जाओ तुम तीनों पकड़ो फिर उसके पास जाके हम लोग उसको स्काई में छोड़ेंगे है ना तो हम तीनों को पकड़ने के लिए बोला हम तीनों पकड़ने गए बट जल रहा था नहीं जल रहा था बहुत ज़्यादा टाइम लगा उसको करते करते फिर लास्ट में जाके जला देन उसके बाद जाके हमने छोड़ दिया आसमान पे
यहाँ पे थोई जो है बड़ी मुश्किल से चलाने की कोशिश कर रहा है, और मिडिल जेठानी का और मेरा हम लोग का कपड़े इसलिए भीगे हुए क्योंकि हम सारे बर्तन धो के जस्ट अभी आए ही थे छत पे एंजॉय करने के लिए, खाना खा के बर्तन धोने के बाद जाके, सो हम सब का कपड़ा जो है थोड़ा थोड़ा भीगा हुआ था इस टाइम, मतलब भीग जाता है यार आप लोग बर्तन धोते तो, ऐसा नहीं कि आप लोग बेसिन में धो पाओगे, दो तीन चार जने के बर्तन नहीं था, मतलब 14 मेंबर का कितने कटोरी आते हैं कितने, वो दिवाली था बहुत सारे मेहमान भी आए हुए थे, तो सबका खाना जितनी भी था ना बर्तन हम सब ने मिल के धोया, तो बस कपड़े भीग जाते हैं यार इंसान सब भीग जाते हैं जिला परिषद का लेट्स कंटिन्यू गाइस, चलो देखते हैं वीडियो। भाई साहब लालटेन भी बड़ी मुश्किल से उड़ी है, हमसे तो छूटने वाला था, हमसे तो जला भी नहीं जा रहा था, वो तो एगान आया यहाँ पे उन्होंने जलाया, फिर उसके बाद जाके फाइनली उड़ गया हमारा लालटेन। जो चलो आगे जो है मेरा ओके, मेरा ससुराल का ये दिवाली खत्म हो चुके हैं और मेरे मायके में भी देखने को मिलेगा आप लोग को, देखते हैं आगे का वीडियो, ठीक है हम आ जाओ।